हरे कृष्णा, प्रेम से बोलिए करवा मैया की जय, शिव शंकर पार्वती श्री गणेश भगवान की जय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज करवा चौथ का व्रत है। भविष्य पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से महिलाओं को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सात जन्मों तक पति पत्नी का साथ बना रहता है। यहाँ तक कि नारद पुराण में कहा गया है कि असुरों से रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भी ब्रह्मा जी के कहने पर इस करवा चौथ के व्रत को किया था और द्रौपदी ने भी पांचों पांडवों की लंबी उम्र तथा सुखी जीवन के लिए यह व्रत किया। तो आज मैं सुना रही हूँ करवा चौथ व्रत की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथाएं। आप सभी माताएं बहनें हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कथा को प्रसन्न चित मन से पूरा सुनें। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहा करती थी। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति बहुत ही वृद्ध तथा शरीर से निर्बल था। एक दिन वह नदी में स्नान करने के लिए गए। उसी समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़कर उन्हें पानी में खींच लिया। करवा के पति चिल्लाने लगे। पति के चिल्लाने की आवाज सुनकर करवा दौड़ती हुई आई और फिर बिना एक पल व्यतीत किए हुए पानी में छलांग लगा दी। वह एक पतिव्रता नारी थी। उनमें काफी बल था। उसने अपनी सूती साड़ी के धागे से उस मगरमच्छ को बांध दिया और अपने तपोबल के माध्यम से उसे लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा, हे देवी, यहाँ आने का कारण क्या है? आप क्या चाहती हैं और यह मगरमच्छ कौन है, कृपया बताइए। यमराज की ओर करवा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस दुष्ट मगरमच्छ ने मेरे पति को मारने का प्रयास किया है। मैंने इसे अपने तपोबल से बांध दिया है। इसने एक पतिव्रता नारी के पति को मारने की कोशिश की है। इसे दंड दीजिए। यमराज ने कहा, हे देवी, अभी इस मगर की आयु शेष है, मैं इसे दंड नहीं दे सकता हूँ। करवा ने कहा, यदि आप मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे और इस दुष्ट मगरमच्छ को दंड नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर वहीं पर खड़े चित्रगुप्त जी सोचने लगे कि अगर इसकी बात न मानी जाए तो अनर्थ हो जाएगा, अतः इस मगरमच्छ को मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि करवा के तपोबल की अनदेखी करना अनर्थकारी हो सकता है। चित्रगुप्त जी ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम अखंड सौभाग्यवती होगी, तुम्हारा पति चीर आयु होगा और तुम अपने पति के साथ चीरकाल तक सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करोगी। चित्रगुप्त जी ने कहा कि हे देवी करवा, जिस तरह तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, जिससे मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ कि इस आने वाले समय में आज के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जो महिला पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ तुम्हारी पूजा करेंगी, उनके सौभाग्य की रक्षा मैं करूंगा। अब चित्रगुप्त ने करवा माता को यह आशीर्वाद दिया और उन्हें वहां से विदा किया और करवा माता सदा के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्त कर लेती हैं। और तभी से करवा माता के आशीर्वाद से सभी सुहागन अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। बोलिए जय करवा माता। प्रिय भक्तगणों, शिव पार्वती जी का ध्यान करते हुए हाथ में लिए पुष्प और अक्षत को करवा माता को अर्पित करते हुए दोबारा से पुष्प और अक्षत हाथ में लीजिए और करवा चौथ की दूसरी कथा का श्रवण करिए। एक साहूकार के सात बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई हुई थी। वह सातों भाइयों में इकलौती थी। सातों भाई अपने बहन से अत्यधिक प्रेम किया करते थे। वह अपनी बहन का पूरा ख्याल रखते थे। एक बार जब कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की करवा चौथ का व्रत आया तो साहूकारनी की सातों बहुएं
और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया। शाम को जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपने बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों को भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, हे भाई, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद अभी तक नहीं निकला है। जब चांद उदित होगा मैं चांद को अर्घ देकर यह व्रत करके तब अंत में भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों को बड़ी ही चिंता हो गई कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं निकला है। ऐसे में सातों भाइयों में से सबसे छोटा भाई एक पहाड़ी पर दिया जलाकर उसे चलने के ओट में रख दिया और फिर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, हे मेरी लाडली बहन, देखो अब चांद उदित हो गया है, अब अर्घ देकर खाना खा लो। बहन ने अपने भाभियों से भी कहा कि भाभी, देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने ननद करवा की बात सुनकर कहा, हे ननद जी, यह चांद तुम्हारा भाई लाया है, यह हमारा चांद नहीं है। हमारा चांद अभी निकलने में तो अभी समय बाकी है, हमारी मानो तो तुम्हें अभी इंतजार कर लेना चाहिए। अपनी भाभियों के बात को अनसुना करते हुए उस नकली चांद को अर्घ देकर भोजन करने के लिए बैठ गई और जैसे ही भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला जब मुंह में लेती है तो उसमें बाल निकल आता है। अब जैसे ही तीसरी बार भोजन का तीसरा निवाला लेती है तो उसी समय उसके ससुराल से बुलावा आ जाता है कि उसके पति का स्वास्थ्य अत्यंत ही खराब है, वह जैसे भी हालत में है, शीघ्र पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है, आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, इसी कारण उसका पति बीमार हुआ है। ससुराल जाते समय माँ ने जब बेटी को विदा किया तो कहा कि हे बेटी, रास्ते में छोटा बड़ा जो भी मिले उसके पांव छू लेना और कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब सातों भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने उसे यही आशीष दिया कि तुम सातों भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो, सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सदा सुहागिन रहो, पुत्रवती रहो। ऐसा सुनकर उसने पल्ले में गांठ लगा दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची खुरचन रोटी भेजवा दी। इस प्रकार समय बीतता गया और मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। लेकिन जब उसे चौथ माता दिखाई नहीं दी तो वह बोली, हे माता, आज आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग लौटाना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि हे पुत्री, पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से भी बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आई, माघ की चौथ आई, आकर चली गई, फाल्गुन की चौथ आकर चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादो की चौथ भी आई और यही कहकर चली गई कि हे बेटी, आगे आने वाली चौथ मुझसे भी बड़ी है, तुम अपना दुख उसी से कहना, वही तुम्हारे दुख को हरेंगी। अब जब अश्विन मास की चौथ आई तो उसने बताया कि हे बेटी, तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उन्हीं ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस करेंगी, वही आएंगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह कहकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की करवा चौथ आई तो वह बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले ले, भूखी करवा ले ले। यह देखकर
कार्तिक की चौथ माता का पांव पकड़कर वह गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, कहने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, अरे पापिनी हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। हे माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। तब करवा चौथ माता ने उससे सारा सुहाग का सामान मांगा, तो उसने 16 श्रृंगार का सामान करवा चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाल, मांग से सिंदूर निकाला और अपनी छोटी उंगली से उसके पति पर छिड़क दिया। उसका पति श्री गणेश कहते हुए जीवित हो गया। जाते जाते करवा चौथ माता ने उसकी झोपड़ी पर लात मारी तो उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननद खाना देने आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी महल में बदल गई। वो दौड़कर छोटी ननद के पास गई और बोली, देखिए ननद जी, आपका भाई जीवित हो गया है, घर जाइए, सासू जी से बोलिए कि हमें गाजे बाजे के साथ लाएं। तो उसकी माँ गाजे बाजे लेकर वहां पहुंची, बेटे को जीवित देखकर उसे गले लगा लिया और कहा, मैंने तो साल भर पहले ही अपने बेटे को खो दिया था, तेरे ही पूजा के प्रताप से आज वापस मिल गया है। हे करवा चौथ की माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसे उसके सुहाग को जीवन दान दिया वैसे सभी को दीर्घ आयु का वरदान देना और अपनी कृपा उस पर बनाए रखना। जय चौथ माता। प्रिय भक्तगणों, करवा चौथ माता का जयकारा लगाते हुए हाथ में लिए पुष्प और अक्षत को माता के सामने समर्पित कीजिए और ओम नमः शिवाय कहते हुए अब तीसरी कथा का श्रवण करिए। एक बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने ब्राह्मण परिवार के घर में 7 बहू और 7 बेटे थे। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत ही अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान सम्मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्रेम नहीं करता था, सभी उसे दुत्कारते रहते। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत ही दुखी होती। हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से कोई नहीं आया। तो सास छोटी को खरी खोटी सुनाने लगी। वह दुखी मन से घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने माद से बाहर निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, हे बेटी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, हे नाग देवता, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भी भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम अपने घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर के बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ उनके घर भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पास में पड़ी नाद को कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने नाद को उठा करके देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाग को ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की
तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी बहू के ससुराल में अब उसकी बड़ी ही इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूछ कटी थी उसे सभी बाड़ा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपने माँ से पूछा कि मेरी पूछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी से रखने से ही तेरी पूछ कट गई है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला अवश्य लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह चुप नहीं बैठा। छोटी के घर जा पहुंचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। उस दिन छोटी बहू और उसकी सास से किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वह कह रही थी कि मुझे बाड़ा भैया से बड़ा प्रेम है। मैं उसकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बाड़ा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्रेम करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया तो माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला। तभी से बाड़ा भाई छोटी बहन के घर प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार यहाँ पर करवा चौथ की तीसरी व्रत कथा संपूर्ण हुई। अब ओम नमः शिवाय कहते हुए हाथ में लिए पुष्प और अक्षत को करवा चौथ के माता समर्पित कीजिए और चौथी कथा का रसपान करिए। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहा करती थी। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति बहुत ही वृद्ध तथा शरीर से निर्बल था। एक दिन वह नदी में स्नान करने के लिए गए। उसी समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़कर उन्हें पानी में खींच लिया। करवा के पति चिल्लाने लगे। पति के चिल्लाने की आवाज सुनकर करवा दौड़ती हुई आई और फिर बिना एक पल व्यतीत किए हुए पानी में छलांग लगा दी। वह एक पतिव्रता नारी थी, उनमें काफी बल था। उसने अपनी सूती साड़ी के धागे से उस मगरमच्छ को बांध दिया और अपने तपोवल के माध्यम से उसे लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा, हे देवी, यहाँ आने का कारण क्या है? आप क्या चाहती हैं और यह मगरमच्छ कौन है, कृपया बताइए। यमराज की ओर करवा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस दुष्ट मगरमच्छ ने मेरे पति को मारने का प्रयास किया है। मैंने इसे अपने तपोवल से बांध दिया है। इसने एक पतिव्रता नारी के पति को मारने की कोशिश की है, इसे दंड दीजिए। यमराज ने कहा, हे देवी, अभी इस मगर की आयु शेष है, मैं इसे दंड नहीं दे सकता हूँ। करवा ने कहा, यदि आप मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे और इस दुष्ट मगरमच्छ को दंड नहीं देंगे तो मैं अपने तपोवल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर वहीं पर खड़े चित्रगुप्त जी सोचने लगे कि अगर इसकी बात न मानी जाए तो अनर्थ हो जाएगा, अतः इस मगरमच्छ को मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि करवा के तपोबल की अनदेखी करना अनर्थकारी हो सकता है। चित्रगुप्त जी ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम अखंड सौभाग्यवती होगी, तुम्हारा पति चीर आयु होगा और तुम अपने पति के साथ चीरकाल तक सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करोगी। चित्रगुप्त जी ने कहा कि हे देवी करवा, जिस तरह तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, जिससे मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ कि इस आने वाले समय में आज के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जो महिला पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ तुम्हारी पूजा करेंगी उनके सौभाग्य की रक्षा मैं करूंगा। अब चित्रगुप्त ने करवा माता को यह आशीर्वाद दिया और उन्हें वहां से विदा किया और करवा माता सदा के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्त कर लेती हैं। और तभी से करवा माता के आशीर्वाद से सभी सुहागन अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। बोलिए जय करवा माता। प्रिय भक्तगणों, शिव पार्वती जी का ध्यान करते हुए हाथ में लिए पुष्प और अक्षत को भगवान शिव के सामने अर्पित कीजिए। चौथ माता की कथा। यह कथा अखंड सुहाग देने वाली कथा है।
तो इसे पूरा अंत तक सुनिएगा। पुराने समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसके घर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो नहीं थे। जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी, आज खाने में क्या खाकर आई हो? तब वो बोलती कि मैं तो बासी और ठंडा भोजन खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली, वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है और वह फिर बाहर जाकर यह बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ, यदि तुम्हें यकीन नहीं हो तो खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गरम खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कहती है कि मैं बासी ठंडा रोटी खाकर आई हूँ, तू झूठ क्यों बोल रही हो? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसे की रोटी है, ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसे की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन खर्च करते रहेंगे तो यह एक दिन कुएं की पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। अब यह सुनकर उसने परदेश जाने का विचार कर सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है पुत्र, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? पर वह नहीं माना और कमाने के लिए परदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती रही। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मैंने यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैलाया हुआ है। तब चौथ माता ने कहा, तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, जिनके पैसे बकाया है वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए दूर कर दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि हे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे ऐसा नहीं करने दिया, अब मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए, आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसके स्त्री ने एक सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी सीढ़ी पर फूलमाला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवीं पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं पर रोटी रख दिया। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लेट कर आया, फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया है इसीलिए डसना पड़ेगा। फिर फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नतापूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, इसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आँखों से सुई निकाली और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने भी उस सांप के उद्धार के लिए उसे मौत दी
और उसकी मुक्ति हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष बाद घर वापस लौटा था। लोगों ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए बोला नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाने रोने चीखने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा, माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने के लिए आया हुआ सांप मरा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा, यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। हे चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसा ही सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और उनके सभी परिवारों को देना। जय चौथ माता, जय हो विनायक जी महाराज, आपकी कृपा अपरंपार है प्रभु, आप सबकी बेड़ा पार लगाना। जय गणेश भगवान। तो प्रिय भक्तगणों, यह चौथ व्रत कथा की